हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 13। ठीक है, आज हम इसका मेनली बेसिक स्टार्ट करेंगे। बेसिक मीन्स पहले हम सरफेस एरिया को लेके चलते हैं कि व्हाट इज़ द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया होता क्या है? इसके अंदर हमारे पास जो आएगा वो आएगा क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर एंड हेमीस्फीयर। ठीक है, टोटल 8 एक्सरसाइजेज हैं। फर्स्ट 4 जो एक्सरसाइजेज हैं वो सरफेस एरिया पे डिपेंड है, नेक्स्ट जो 4 एक्सरसाइजेज हैं वो वॉल्यूम पे डिपेंड है। ओके, तो आज हम ओनली सरफेस एरिया स्टार्ट कर रहे हैं एंड मेनली आज हम दो चीज़ यहाँ पर लेके चल रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ क्यूबॉइड, सेकेंड वन इज़ क्यूब। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ क्यूबॉइड एंड सेकेंड वन इज़ क्यूब। हम ये दो टॉपिक आज लेके चलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 2 × LB + BH + HL एंड कर्व्ड सरफेस एरिया, या हम इसको बोल सकते हैं बेटा लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, 2 × L + B × H। लेकिन डायग्राम मैंने यहाँ पर आपको एक क्यूबॉइड की शेप का बनाया हुआ है, यहाँ पर इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास यहाँ से यही चीज़ मेंशन होके आएगी कि जो टोटल सरफेस एरिया मैंने लिखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, वो आया कहाँ से। ठीक है, इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। यदि आपने ये फॉर्मूला समझ लिया तो समझ लीजिए फर्स्ट वर्कशीट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओनली कैलकुलेशन करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट देन कैलकुलेट आंसर। ओके, तो आज हम पहले फॉर्मूला समझते हैं दोनों का कि ये जो क्यूबॉइड और क्यूब का फॉर्मूला ये आता कहाँ से है। यहाँ पर आपको इसके सरफेसेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक सरफेस ये वाला हो गया, दिस वन, दिस इज़ ऑल्सो ए सरफेस, दिस इज़ ऑल्सो ए सरफेस। तो आपको इसके जो सरफेसेस नज़र आ रहे हैं, ऑल सरफेसेज आर द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, क्यूबॉइड के ऑल सरफेसेज द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, जो इसके ऑल सरफेस होते हैं वो किस शेप में होते हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। ठीक है, ये उसकी लेंथ हो गई, ये उसकी ब्रेड्थ हो गई। तो यदि हम इस सरफेस की बात करें जो इसका बॉटम है, जो बॉटम वाला सरफेस है आपके पास, ठीक है, इस बॉटम वाले सरफेस की बात करते हैं, तो इस बॉटम वाला यानी कि जो रेक्टेंगुलर शेप आपके पास बन रही है, इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, L × B। तो इस सरफेस का एरिया L × B, सेम टॉप वाला जो सरफेस है उसका एरिया भी कितना होगा, L × B। दैट मीन्स L × B + L × B। ओके, तो आपके पास दो सरफेसेस का एरिया तो हमने ऐड कर लिया, तो कितना आ गया बेटा, twice of LB। कितना आ गया, twice of LB। अब हम इस सरफेस की बात करते हैं, यानी कि जो इसकी ये 4 वॉल्स हम काउंट करते हैं। ठीक है, क्या काउंट करते हैं हम इसकी ये 4 वॉल्स। यदि हम इसका एरिया यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास जो इसका एरिया आएगा, एक एरिया यहाँ पे इस सरफेस का जो एरिया होगा वो क्या हो गया, BH + BH। ठीक है, ये वाला एरिया ओनली। अब हम यदि इस सरफेस की बात करें और इस सरफेस की करें, ये तो हो गए। अब जो ये सामने वाला जो आपको फेस नज़र आ रहा है, दिस वन, ये वाला, ठीक है, इस सरफेस की यदि मैं बात करूं तो इसका एरिया LH × सेम वे में इधर जो बन रहा है LH, L × H + L × H। तो देखिए यहाँ से आपने किया तो आपके पास twice of BH आ गया, यहाँ से आपने किया तो आपके पास twice of LH आ गया। ठीक है, अब यदि हम टोटल आपके पास 6 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 सरफेसेस हो गए। 6 सरफेसेस का मतलब 4 तो इसकी वॉल्स काउंट हो गई एंड एक बॉटम हो गया और एक उसका क्या हो गया, टॉप हो गया। ठीक है, तो टोटल 6 सरफेसेस के एरियाज को यदि आप ऐड करोगे तो 2 LB, 2 BH + 2 HL या LH, तो 2 इज़ कॉमन, तो LB + BH + HL।
क्लियर। तो क्या फॉर्मूला निकल के आया, टू ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये लीजिए, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड आपके पास होता है या नहीं होता है, क्लियर। तो हमें इस फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद करें तो सिंपल सा फॉर्मूला टू ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, कंक्लूजन निकल जाता है। लेकिन जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो उस क्वेश्चन के अंदर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें वो उसकी लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा, इसलिए हमने पहले फॉर्मूले को समझना ज़रूरी है। ओके, फिर इसके बाद आता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। तो जब हम इसका कर्व सरफेस एरिया इसमें यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें कौन कौन सा इंक्लूड हो रहा है। कर्व सरफेस एरिया का मतलब ओनली इसकी फोर वॉल्स, ओनली इसकी फोर वॉल्स यानी कि उसके सराउंडिंग जो है, नॉट बेस नॉट टॉप, दोनों इंक्लूड नहीं है। दैट मीन्स ऑल सरफेसेस यानी कि फोर वॉल्स का एरिया, ठीक है। तो वो क्या होगा, अभी आपने फोर वॉल्स का यहाँ से फाइंड आउट किया था, एक तो हो गया बी एच प्लस बी एच ये वाला सरफेस, एक ये वाला सरफेस, तो दोनों को आपने ऐड कर रखा है टू बी एच प्लस टू एल एच। इन दोनों को यदि आप ऐड करोगे तो देखिए टू बी एच प्लस टू एच एल, तो टू ब्रैकेट दोनों में से एच इज़ कॉमन और नॉट, तो आप इसको टू ब्रैकेट एल प्लस बी इन टू एच लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। तो देखिए बेटा वही फार्मूला आपके पास ये होता है या नहीं होता है? तो वो सेम चीज़ लैंग्वेज में। अब ये तो हो गया फोर वॉल्स का यानी कि कर्व सरफेस, ये टोटल सरफेस और एरिया हो गया। एक चीज़ आएगी वो यदि ये कहे कि हमें, सपोज करो हम घर पे रूम में वाइट वॉश करा रहे हैं, तो जब भी आप वाइट वॉश कराते हो तो फोर वॉल्स पे वाइट वॉश कराते हैं एंड जो उसकी सीलिंग होती है हम उस पर वाइट वॉश कराते हैं, ठीक है। जो रूम की सीलिंग होती है उस पर हम वाइट वॉश कराते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो इंक्लूड नहीं होता है वो कौन सा होता है, जो उसका बेस होता है, ठीक है। जो बेस वाला सरफेस है, कभी भी हम रूम में वाइट वॉश कराते हैं तो बेस पे यानी कि फर्श पे नहीं कराते हैं, फोर वॉल्स पे होता है और सीलिंग पे हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब हम उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे वाइट वॉश कराने के लिए, तो वो फॉर्मूला यूज़ होगा टू ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच, ठीक, प्लस एल बी यानी कि एक सरफेस बेस वाला, ओनली एक, ये नॉट टॉप, ठीक है। यदि क्वेश्चन में कहे कि ओपन एट द टॉप है, टॉप से ओपन है, तो भी हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, खाली फाइव वाला इंक्लूड होगा, क्लियर। बताइए, तो ये चीज़ आपके पास आई बेटा किसकी, क्यूबॉइड की। सेम वे में क्यूब का है, यहाँ पे तो ऑल सरफेस इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, बट इन ए क्यूब ऑल सरफेसेस इन ए शेप ऑफ ए स्केयर, ऑल सरफेस इन द शेप ऑफ ए स्केयर। तो टोटल सिक्स ही यहाँ पे बन रहे थे, देखो फोर वॉल्स बेस एंड टॉप। सेम वे में आपके पास यहाँ पर बनेगा फोर वॉल्स बेस एंड टॉप, ऑल द सरफेसेस हैं ए इंटू ए, ए इंटू ए, ए इंटू ए, ऐसे करते जाएंगे तो आपके पास क्या मिलता चला जाएगा, फर्स्ट सरफेस का ए स्केयर, सेकेंड सरफेस का ए से, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो कितना आ गया आपके पास, सिक्स ए स्केयर, कितना आ गया आपके पास, सिक्स ए स्केयर। देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया भी यही होता है या नहीं होता है, क्लियर। अब हम आते हैं कर्व या लेटरल सरफेस पे। कर्व और लेटरल सरफेस में इसमें भी सेम चीज़ है बेटा, ना तो बेस इंक्लूड होता है ना ही टॉप इंक्लूड होता है, ओनली इसके सराउंडिंग यानी कि जो वॉल्स होती हैं वो इंक्लूड होंगे। तो उसमें टू टाइम्स नहीं आएगा, ए स्केयर ए स्केयर ए स्केयर ए स्केयर यानी कि फोर टाइम्स आएगा। दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया कितना बन जाएगा, फोर ए स्केयर। कर्व सरफेस एरिया कितना बन जाएगा, फोर ए स्केयर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम खाली इसका ये बेसिक करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको ये फॉर्मूले माइंड में होने जरूरी हैं कि वो कैसे होता है। आई रिपीट फास्टली अगेन कि यदि आपको टोटल सरफेस यानी कि पूरे रूम्स का करना है या पूरी कोई भी सराउंडिंग क्यूबॉइड की शेप है हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, टू ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ओनली वॉल्स वॉल्स का करना है तो टू ब्रैकेट एल प्लस बी इन टू एच यूज़ करेंगे, एंड वॉल्स एंड सीलिंग
यानी कि एरिया ऑफ फोर वॉल्स और फ्लोर या सीलिंग में से कोई भी एक काउंट कर रहा है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे टू ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी। ओके, क्यूब क्यूब के अंदर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब काउंट करेंगे वो क्या करेंगे, सिक्स ए स्क्वायर, एंड कर्ड या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब काउंट करेंगे तो वो क्या करेंगे हम, फोर ए स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? तो आज आप इनको अच्छे से एक बार बना के समझ के देखना, ये जितना भी मैंने यहाँ पर किया हुआ है ये आपको आपके एच डब्ल्यू कॉपी में ज़रूर करना है, बिकॉज हर एक्सरसाइज से पहले हम शेप बना के उसकी डायमेंशन जो भी आपके पास शेप होगी, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, कौन हो, सिलेंडर हो, स्फीयर हो, हेमीस्फीयर हो, एनी शेप, हम उसको पहले ऐसे ही ब्रीफली एक बार एक लेक्चर के अंदर हम उसको फॉर्मूले को समझेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज आप इसको अच्छे से एक बार बना के देखना अपना एस डब्ल्यू कॉपी में भी, और फिर इन फॉर्मूलाज को माइंड में रखना ताकि जब हम कल एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो प्रॉब्लम ना आए। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक एंड टेक केयर, बाय।